हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा, आपको अपर्णा बागची चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे फेशियल पार्लर जैसा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसा एक फेशियल किट ले लीजिए और फिर उसको घर पर एक के बाद एक ऐसे आ रहा है वो लगाइए। और अभी मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए इसे कैसे लगाते हैं। ये फ्रूट फेशियल है, इसे करते हैं। इसमें तो सबसे पहले लेंगे ये वन नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है, ताकि हमें कंफ्यूशन ना हो, इसीलिए नंबर लिखा हुआ है। ये एक्चुअली क्लींजर है जो क्लीन करेगा फेस को, अगर कोई गंदगी डर्ट ये सब है तो इसे साफ़ कर देगा। तो हमें कभी कभी होता है कि हम पार्लर जाना चाहते हैं पर वक्त नहीं होता, क्योंकि घर के काम काज सब रहते हैं, पर साथ में अपना देखभाल भी करना है। तो इसे कोई भी प्रोडक्ट को आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे करना है। इसे 5 मिनट तक ऐसे रगड़ते रहिए। अच्छा, सही से रगड़ने के बाद इसे वॉश कर लेना है। भी हफ्ते में, अगर हफ्ते ना हो, एटलीस्ट मंथ में 2 बार हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसे ऐसे लगाने के बाद कंप्लीट इसे ये पोजीशन में से तो क्या है, अच्छा से ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपके डार्क सर्कल वगैरह अगर है तो वो कम होने का चांस रहेगा। स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप कोई पौधा ही ले लीजिए, उसे बिना पानी दे के रखेंगे तो वो मुरझा जाएगा। वैसे ही हमारा स्किन है, इसे रेगुलर टाइम टू टाइम देखभाल करते रहना चाहिए। काम में बिजी होने के बावजूद भी खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे कर देना है। तो ऐसे करके आप 5 to 7 मिनट तक रगड़ते रहिए। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप घड़ी देख के उसे रगड़ते रहिए। नंबर 1 था क्लींजर जो हमने फेस को क्लीन कर लिया है। अब नंबर 2 लिखा हुआ है, इस पर 2 को स्क्रब है। जैसे हम कोई चीज़ को रगड़ के, अगर उसके अंदर ब्रश से जैसे कपड़े रगड़ते हैं साफ़ होता है, ये भी कुछ ऐसे ही काम करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको रगड़ना है। हर एक चीज़ हल्के हाथों से ही करना है। आप थोड़ा लॉन्ग टाइम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब स्क्रबर को ऐसे हल्के हाथों से 5 to 10 मिनट या 5 मिनट्स काफ़ी आई थिंक, ऐसे धीरे धीरे आपको रगड़ते रहना है। इसे सर्कुलर मोशन में रगड़ने से अच्छा रहेगा। कभी ऐसे जाइए, कभी नोज़ की साइड में, ये लिप्स की 2 साइड, ये जगह फोरहेड, फिर आइस के, और बिल्कुल भी आप इसे ज़ोर से नहीं रगड़ेंगे, बिल्कुल जैसे सॉफ्ट हाथों से। फेशियल का यही एक रूल है कि इसे ज़ोर से नहीं करना है, भले आप लॉन्ग टाइम करो, अगर 5 मिनट ना हो 10 मिनट करो, पर क्योंकि ये स्किन में एब्जॉर्ब होता है और स्लो स्लो से क्या होगा, हल्का हल्का से चीज़ें साफ होती जाएगा। रगड़ेंगे तो क्या होगा, छिल जाएगा। कभी कभी स्किन बहुत सॉफ्ट रहता है तो इतना, फिर आपको दिखेगा कि फेशियल के बाद फेस बहुत काला सा हो गया है। वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ देते हैं। बस इसे हल्के हाथों से मसाज दीजिए पूरे फेस में सर्कुलर मोशन करते हुए, कभी ऊपर से नीचे। इसे जैसे चावल भिगोए तो वो एकदम से तो भिगेगा नहीं, वो एब्जॉर्ब करने के लिए फुल नाइट लेता है। तो ऐसे ही स्किन भी एब्जॉर्ब कर रहा है सारे प्रोडक्ट को, और स्क्रब कर रहे हैं तो धीरे धीरे सारे डेड सेल्स निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे करते हुए 5 मिनट आप करते रहिए। नेक्स्ट नंबर 3 इसे हम लेंगे, और आप ये है मिक्स्ड फ्रूट फेशियल। मिक्स्ड फ्रूट फेशियल मैं अभी फ़िलहाल प्रीफर किया हूँ। आप चाहे तो पपाया, जो भी आपको पसंद है, वो आपको अगर लगता है कि वो सूट हो रहा है आप पे तो उसे लगाइए। तो ये मैसेज क्रीम है जो आपको लॉन्ग टाइम तक मसाज करते रहना है। मसाज, हम सोचते हैं कि इतनी सी मसाज में क्या होगा, मसाज आपकी ब्लड सर्कुलेशन करेगा और स्किन को अच्छा ग्लोइंग बनाएगा। मसाज बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है फेस के लिए। तो इस सबसे पहले आप अपना बागची चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरी वीडियो एक के बाद एक देख सकें। आपको कुछ अगर सजेस्ट करना है या कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो इसे मसाज करने के लिए आपको ऐसे गले के पास ऐसे ऐसे ऊपर एक बहुत बार करते रहना, और इसे 5 to 10 मिनट करने से बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास वक्त है तो आप 10 मिनट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रब नहीं है तो स्किन छिलने का भी डर नहीं है। ये मसाज कितना भी कर ले वो अच्छा ही होता है। आइस के पास से मैंने ऐसे ऐसे ले लिया। आपको मैं बता दूँ कि मैंने ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, आँखी नहीं चली गया, ये बस मैं यहाँ यूट्यूब से ही देखी हूँ, सीखी हूँ, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे ऐसे ही 5 to 10 मिनट आप मसाज करते रहिए अच्छा से।
मसाज क्रीम को कंटिन्यू मैंने 8 मिनट तक मसाज किया। करने के बाद मैंने उसे वॉश किया, मेरी आँखों में भी थोड़ा चले गया था। अब नंबर 4 है जो फेशियल जेल है, ये भी ऐसे ही आपको मसाज करते रहना है। बस क्या है, आप लेट के नहीं कर पा रहे क्योंकि आप खुद कर रहे हैं, और लेट के करना है तो आपको पार्लर जाना पड़ेगा, और पार्लर जाने के लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इस वजह से तो फेस का ध्यान रखना छोड़ नहीं सकते ना, तो इसलिए हमें घर पे ही थोड़ा बहुत कर लेना होगा। तो इसे ऐसे ही हल्के हाथों से अलग अलग डायरेक्शन में इसे मसाज करना है। मतलब जेल है, मसाज तो ऑलरेडी हो चुका है, पर ये अब इसका हर एक चीज़ का एक ही फंक्शन है कि स्किन से एब्जॉर्ब करें। स्क्रब वो सिर्फ स्किन का वो ड्राई सेल्स को निकाल दे देते हैं, पर उसमें ऐसा है कि स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं देखिए कैसे आईब्रो को ऊपर उठाते हुए, नोज़ के दो साइड में, आँखों के नीचे यू शेप बनाते हुए, कभी सर्कुलर कर रही हूँ चीक में, कभी एंटी क्लॉक, कभी क्लॉक वाइज घुमा रही हूँ। फिर स्पेशली ये जगह में क्या होता है, कुछ दाने दाने आने लग जाते हैं, तो ये जगह में भी कर रहे हैं। फोरहेड को मैं ऐसे सर्कल मोशन में कर रही हूँ, तो यहाँ से फिर ऐसे, फिर थोड़ा सा गले के पास, आप अपर डायरेक्शन में भी कर सकते हैं इसे। आपके जो हाथ के जो इसमें है एक हल्का सा गर्म निकलता है, तो वो स्किन के लिए शायद अच्छा हो। तो इसे धीरे धीरे अपने फेस में रगड़ के मसाज करते रहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप पसंद करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे डिफरेंट चीज़ें ला पाऊँगी। क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियोस शायद किसी काम की नहीं है। तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको मेरा ये वीडियोस, ताकि मैं और कुछ अलग सोच के साथ बेहतर चीज़ें आपके सामने ला सकूँ। अब हम इससे वॉश कर लेंगे। कंटिन्यू 10 मिनट्स तक मैंने फेशियल जेल को स्क्रब किया। रब करने के बाद अब ये है नंबर 5, ये फेस पैक है, इसे लगाना है और सूखने, एकदम ड्राई होने मत दीजिए। ड्राई होने से स्किन हो जाएगा, एक हल्का एक लगा कि हाँ थोड़ा बहुत सूख चुका है, तो उसके बाद आप इसे वॉश कर दीजिए। इसे पूरे फेस में अच्छे से लगा देते हैं। अब ये फेस पैक लगा के आप बात मत करिएगा, आप चाहे तो कुछ देर का एक हल्का सा नैप ले लीजिए या रिलैक्स होके लेटे रहिए। तो क्या होगा, आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे। अगर आप बात करने लग गए या यहाँ खुद को स्ट्रेस करने लग गए, तो ये जो पैक यहाँ लगा हुआ है उस जगह रिंकल आ जाएगा। अब स्माइल किए तो देखिए ये जगह रिंकल आ रहा है, तो चीज़ें वो आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो ये हो गया हमारा मास्क। अब इसे 10 मिनट तक रख देंगे। 10 मिनट तक हम ऐसे रिलैक्स होके एंड रहेंगे। आप चाहे तो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, या मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एकदम मुझे ऐसी लग रही हूँ, पर अब डरिए मत, ये बस वाइट और स्किन थोड़ा लाइट हो रहा है, इस वजह से ऐसे रिफ्लेक्शन से बहुत जैसी दिख रही हूँ। पर आप अभी फ़ोन यूज़ करते हुए कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। आप क्या चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ ऐसे ऐड कर दूं, या जो भी है आप अपने सजेशन मुझे कीजिए, मैं ज़रूर उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगी। मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें नई एक्सपीरियंस है। तो इसे सूखने का वेट करते हैं, हम 10 मिनट्स तक रखेंगे, फिर वॉश कर देते। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे करके आप घर पर अपना फेशियल कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम फिर पार्लर जाते हैं, पर कभी कभी वक्त नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पार्लर जाना नहीं होता है। तो आप घर पे ऐसे अपने से ही कर सकते हैं फेशियल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और मेरी वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।